दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियोज का Google Ads के थ्रू एडवर्टाइज कराना चाहते हैं? जरूर कराना चाहते होंगे। बहुत सारे नए क्रिएटर हैं जो कि Google Ads के थ्रू जो है अपने YouTube वीडियोज का जो है एडवर्टाइज कराना चाहते हैं, ताकि उस वीडियो से उनके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर आ सकें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नए यूट्यूबर जो है इसका यूज करते हैं और वो जो है अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप गूगल एड्स के थ्रू अपने यूट्यूब वीडियोज का एडवर्टाइज कैसे करेंगे और आप गूगल एड्स में पेमेंट को कैसे ऐड करेंगे और आप जो है गूगल एड्स में जो ऐड चलाएंगे उसको जो है कैसे एक्टिव या इनेबल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आयु की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल के थ्रू अपने वीडियो यूट्यूब वीडियोज के ऐड को यूट्यूब पे कराना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है करेक्ट वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है अपने यूट्यूब वीडियोज को यूट्यूब पर ऐड के थ्रू जो है शो कर सकते हैं, ताकि आपके व्यूज ज़्यादा बढ़ें और वॉच टाइम ज़्यादा हो सकें। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली गूगल में जो है गूगल एड्स को जो है टाइप करके सर्च करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऐड साइट दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब एडवर्टाइज साइट है, लेकिन आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी ads.google.com, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, सिंपली जो है आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, ग्रो योर बिजनेस विथ गूगल एड्स, और आपके यहाँ पर फोन नंबर कॉल डिटेल सब जो है यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो है कॉल के थ्रू जो है बातें भी कर सकते हैं स्पेशलिस्ट से और जो है आप अपनी समस्या का हल भी यहाँ पर पा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके ईमेल से ये पेज जो है लॉगिन कर लेगा, गूगल एड्स का जो है पेज यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, जो भी आपका ब्राउजर में ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर ये ईमेल जो है लॉगिन हो चुका है और मुझे एक आईडी भी यहाँ पर मिल चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं, आप किसी दूसरे ईमेल से चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना अदर ईमेल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्विच अकाउंट पर क्लिक करके कोई दूसरा अकाउंट जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है, मैं इसी ईमेल अकाउंट से जो है अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी ईमेल अकाउंट से बना लेता हूँ अपना गूगल एड्स और वहाँ पर जो है आपको बताता हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ को एड्स के थ्रू कैसे यूट्यूब पर जो है एडवर्टाइज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे डिटेल्स में। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू प्रमोट, मतलब आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंडेड है योर बिजनेस प्रोफाइल एंड योर वेबसाइट, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर क्लिक करें। यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, आपको वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं सेल्स, लीड्स, वेबसाइट्स, ट्रैफिक, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, एंड यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, एप्स, प्रमोशंस एंड लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडलाइंस। तो आप यहां से इन सभी कैटेगरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं आप किस चीज़ को जो है प्रमोट करना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां पर आपको क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर दोस्तों किस टाइप का कैंपेन चलाना है, तो आपको जो यूट्यूब वीडियोज का कैंपेन चलाना है तो आपको यहां पर वीडियोज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर दोस्तों नीचे जो है कस्टम वीडियो कैंपेन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। आपको नीचे आना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें कैंपेन नेम डालना है, मतलब हम किस टाइप का कैंपेन चला रहे हैं अपने हिसाब से नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए नेम डाल देते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी नेम डाल देते हैं ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी का ऑप्शन मिलेगा, तो मैक्सिमम CPV आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम CPV एंड टारगेटेड CPM। तो सभी लोग जो है CPV को ही क्लिक करते हैं, मतलब कास्ट पर व्यू, तो हम भी यही क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आप देख सकते हैं बजट एंड डेट्स। तो यहाँ पर कैंपेन टोटल पे आपको क्लिक करना है, डेली के हिसाब से जो है आप ना ही चलाएं तो सही है। यहाँ पर कैंपेन टोटल को क्लिक करके यहाँ पर जो भी बजट आप देना चाहते हैं वो बजट दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर 1000 जो है बजट दे देता हूँ, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर 1000 का जो है कैंपेन अपना चलाना चाह रहा हूँ, कि 1000 रुपीज़ जो है मेरे पास है, मैं इसी से जो है एडवर्टाइज करूँगा। स्टार्ट डेट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का डेट है वो शो कर रहा है, और इन डेट जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए आप कितने दिनों के लिए चलाना चाहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर
कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक सप्ताह का जो है कैंपेन चलाइए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कम समय का जो है सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो है मतलब पैसे भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो है कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन का यहाँ पर ले लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर डेली का बजट जो है 90 रुपये है, 1000 के हिसाब से डेली का बजट जो है 90 रुपये, 11 दिन जो है हमारा चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस टाइप के नेटवर्क्स पर अपनी एडवर्टाइज को कराना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि आपका जो वीडियो है वो कहाँ पर मतलब ऐड जो है आपका वो कहाँ पर शो होना चाहिए। यूट्यूब सर्च रिजल्ट में आपका अगर चाहते हैं शो हो तो आप इसको चेक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब वीडियोज़ कोई देख रहा है उसके बीच में मतलब जो एडवर्टाइज आता है उसमें आपका ऐड आया तो इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसको अक्सर जो है बड़ी बड़ी एडवर्टाइज कंपनियाँ यूज करती हैं, तो हमारा बजट काफ़ी कम है तो हम जो इसको यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर तीसरा दोस्तों वीडियो पार्टनर ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, इसका मतलब दोस्तों कि कोई थर्ड पार्टी जो है एप्लीकेशन या वेबसाइट है तो वहाँ पर हमारी जो है एडवर्टाइज को शो कर सकता है वीडियो के एडवर्टाइज को। तो हम इन दोनों को अनचेक कर देते हैं और इसको रहने देते हैं यूट्यूब सर्च रिजल्ट को। तो उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट लोकेशन टू टारगेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब आप सभी कंट्री में दिखाना चाहते हैं या इंडिया में दिखाना चाहते हैं या इंटर एन अदर लोकेशन। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में दिखाना चाहते हैं तो इंडियन लैंग्वेज में अगर आपकी वीडियो है तो इंडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो कोई पार्टिकुलर लोकेशन पर दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उस लोकेशन पर आपको यहाँ पर डालना है, या एडवांस सर्च करके आप जो है किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पर दिखाना चाहते हैं, किसी जैसे कि सिटी मोहल्ले या विलेज टाइप के लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडवांस सर्च पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया ही रहने दीजिए, क्योंकि सभी लोग जो है इंडियन हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं, तो इंडिया में अपनी वीडियो को एडवर्टाइज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज को जो है आप ऑल ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे दोस्तों आपको इन्वेंट्री टाइप को जो है क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको तीन तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे, पहला एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, दूसरा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और तीसरा है लिमिटेड इन्वेंट्री। तो इन सभी का मतलब है दोस्तों कि आप किस जगह पर अपने एडवर्टाइज को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंडेड एंड आल्सो एक्सक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सारी चीज़ें जो है बाहर रहेंगी, इन सभी में जो है आपका एडवर्टाइज शो नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है नीचे आना है, आपको नीचे दोस्तों एक्सक्लूडेड टाइप ऑफ एंड लेवल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको अनचेक कर देते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे जो है रिलेटेड वीडियोज, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिलेटेड वीडियोज में अगर आप जो अपनी और भी वीडियोज को जो है एडवर्टाइज में दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिलेटेड वीडियोज पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो वीडियोज जो है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं अपने वीडियो ऐड के नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों रिलेटेड वीडियोज में आप रिलेटेड वीडियोज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है अपनी अदर वीडियोज के जो है उससे रिलेटेड वीडियोज की URL डालकर जो है यहाँ पर एडवर्टाइज में शो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, नीचे आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग में आपको कन्वर्सेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर जो है डिवाइसेज का ऑप्शन मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर डिवाइसेज में आप देख सकते हैं सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेज, तो आप यहाँ पर टारगेटिंग डिवाइसेज को सिलेक्ट कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस टाइप के जो है डिवाइस पर अपना जो है एड शो करना चाहते हैं उस टाइप के जो है डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हो, या जो है आप यहाँ पर शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन पर आपका एड शो हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है डिवाइसेज का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी कैपिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको जो है बहुत ध्यान देना है, लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेनिंग कैन शो टू द सेम यूजर्स, मतलब एक यूजर्स को आपका जो है एड कितनी बार शो किया जाएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेनिंग कैन शो टू द सेम यूजर्स, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी यूजर्स है उसको जो है आपका एड मतलब कितनी बार दिखे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 बार दिखे किसी भी एक यूजर्स को, मतलब एक यूजर जो है मेरा एड देख ले तो उसको जो है पर डे के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा, पर मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ या पर वीक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब एक वीक में जो है केवल 2 ही बार देखी मेरा एड्स और
उसके बाद जो है ज़्यादा टाइम ना दिखे। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि कैप व्यू फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई यूजर जो है एक बार ऐड ओपन कर देख लेता है तो उसको जो है यहाँ पर ऐड शो ना करें। तो मैं इसको रहने देता हूँ फिलहाल, इसको जो है आपको ज़रूरी करना है। तो पर वीक के हिसाब से मैंने यहाँ पर दो बार जो है चेक कर लिया कि एक वीक में जो है दो ही बार जो है कैंपन ऐड जो है मेरा दिखना चाहिए मतलब यूजर्स को। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, ऐड शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड शेड्यूल में आपको क्या करना है। तो ऐड शेड्यूल में ऑल डे हम रहने देते हैं कि ऑल डे जो हमारा ऐड जो है यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्रिएट ए ऐड ग्रुप, तो आप यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम देना है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे ग्रुप नेम देना है। तो हम यहाँ पर ऐड ग्रुप में जो कैंपेन नेम दिए थे वही दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई वाई टी वीडियो जो मैंने रखा था, तो यहाँ पर चलिए मैं वही डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली जो है आप देख सकते हैं डीमोग्राफिक्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप किस टाइप के एज को या किस टाइप के लोगों को अपनी एड्स को जो है शो करना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जो है ये सभी जो है आपको चेक रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप किस जेंडर को दिखाना चाहते हैं, किस एज टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हैं, पेरेंट्स पेरेंटल स्टेटस किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हैं, मतलब ये सारी चीज़ जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको जो है आप अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है किस उम्र के लोग या किस एज के लोग या किस जेंडर के लोग जो है ज़्यादा देखते हैं, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है फिलहाल सभी को रहने देता हूँ क्योंकि सभी लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से जो ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के टारगेटेड ऑडियंस को आप जो है अपना ऐड शो कर सकते हैं ऑडियंस सेगमेंट में। लेकिन मैं इसको जो है रिकमेंड करूँगा कि आप रहने दीजिए, एनी ऑडियंस सेगमेंट को जो है मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है कीवर्ड, एनी कीवर्ड आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड डालना है, तो चलिए हम यहाँ पर कीवर्ड डालकर आपको दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको कीवर्ड डाल देना है अपने वीडियो से रिलेटेड, जो कि लोग सर्च करें तो आपकी जो है वीडियो टॉप पर आए। उसके बाद दोस्तों आपको कीवर्ड डालने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे दोस्तों आपको टॉपिक का ऑप्शन दिखेगा, तो चलिए यहाँ पर भी आपको क्लिक करके मैं बता देता हूँ कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप टॉपिक को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के लोग जो है किस टॉपिक को जो है सर्च करते हैं, उस टॉपिक में जो आपका ऐड शो करे तो उस टॉपिक को जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है इसको रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे बिडिंग का ऑप्शन दिखेगा, नहीं यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट योर प्लेसमेंट टारगेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है किस टाइप के जो है जगह पर अपनी ऐड को चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चैनल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जिस भी चैनल का नाम आप देंगे उस चैनल पर टारगेटेड चैनल पर ही आपके ऐड शो करेंगे। उस चैनल के जब भी कोई वीडियो प्ले की जाएगी तभी जो है आपके ऐड शो करेंगे। तो आप यहाँ पर किसी भी चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है बिडिंग का, बिडिंग में आपको क्या करना है ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है बिडिंग को सेट कर सकते हैं कि आप एक व्यूज का कितना पैसा देना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। जितना भी आपका बजट रहे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देना चाहिए, मिनिमम देना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मिनिमम 20 पैसे से जो है 0.0 0.20 से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर 0.20 कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर YouTube वीडियोज, यहाँ पर दोस्तों हमें जो है अपने YouTube वीडियोज का URL पेस्ट करना है। URL आपको कॉपी करना है, सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने तो वीडियो का URL डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है हमारी वीडियो शो हो रही है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो डिस्कवरी ऐड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से जो है जो भी वीडियो आपकी प्ले करेगा उसके नीचे जो है ऐड शो करेगा आपकी वीडियो का। और यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से जो है ये शो करेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थंबनेल जो भी सिलेक्ट करना है अपने वीडियो का वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिलहाल मैं इसी को रहने देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हेडलाइंस डालना है अपने वीडियो का, मतलब इस ऐड के ऊपर जो हेडलाइंस से दिख रहा है आपको वो क्या शो होगा, तो आपको वो डालना है। मैं यहाँ पर हेडलाइंस को डाल देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे हेडलाइंस डाला, यहाँ पर हेडलाइन जो है आ चुका है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो भी ये शो कर रहा है ऐड के आगे वो डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 आपको यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 डालने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐड नेम डालना है। तो ऐड नेम जो आपने शुरू में बनाया था वो आपको डालना है। तो आपको सबसे टॉप पे आ जाना है, यहाँ पर इसको जो है कॉपी कर लेना है सिंपली सा। अब आपको यहाँ पर डाल देना है ऐड नेम में, स्पेशली जो है 3 लेयर होता है तो आप समझ सकते हैं। पहले जो है ऐड नेम मतलब कैंपेन नेम था, उसके बाद जो है आपका टाइप नेम था, उसके बाद जो है ऐड नेम। तो यहाँ पर मैं वही नेम डाल देता हूँ। उसके बाद जो है क्रिएट कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों
सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पर कंफर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों कंफर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन के पेज पर आपको सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करना है, टाइम जोन आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर इंडिया से हूँ तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रमोशनल कोड है तो आप यहाँ पर डाल के अप्लाई कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास नहीं है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर जो है क्लिक करना है, हाउ यू पे। तो आप यहां पर जो है तरह तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड लिंक, पेटीएम वॉलेट। तो यहां पर जो है मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको यहां पर एड्रेस लाइन वन जो भी नेम एंड एड्रेस है आपको यहां पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो है नेम एंड एड्रेस डाल देते हैं। तो दोस्तों नेम और एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है जो भी आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं आपको यहाँ पर 1000 डाल देता हूँ। उसके बाद जो है पेमेंट अमाउंट, उसके बाद जो है मैं इसको चेक करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कंफर्म करने का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो भी बैंक से रिलेटेड होगा उस पर ओटीपी कोड जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, और ये जो मेरा गूगल एड्स में जो है पेमेंट हो चुका है यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर पेमेंट्स, मैंने 1000 जो है पेमेंट कर दिया है गूगल एड्स को। यहाँ पर गॉट इट पे हम क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर रिमेनिंग क्रेडिट 1000 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। अब ये जो है मेरा ऐड, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने कैंपेन पर। तो गूगल एड्स पे हम आ जाते हैं सिंपली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है, मतलब मेरा जो भी कैंपेन था वो इनेबल हो चुका है। और कंग्रेचुलेशन ऑन सेटिंग अप योर न्यू कैंपेनिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बजट 1000 रुपीज़ का है, मैंने जो है इसमें 1000 रुपीज़ डाल भी दिया है। और यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये जो है अप्रूव होगा उसके बाद जो है ये एडवर्टाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर जो इसको क्लिक करके सिंपली जो है देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्टेटस जो है दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप गूगल एड्स के थ्रू अपने यूट्यूब वीडियोज का यूट्यूब पर एडवर्टाइज कैसे करा सकते हैं। और आप भी गूगल एड्स के थ्रू अपने यूट्यूब वीडियोज का एडवर्टाइज कराकर अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।